पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने और अतिरिक्त टैक्स लगाने पर पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार ने प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। कोरोना के चलते प्रदेश की जनता वैसे ही परेशान है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम है, पेट्रोल डीजल के दाम आधे होने चाहिए। सरकार को जनता को राहत देनी चाहिए, लेकिन वह तो महंगाई बढ़ाने में लगी है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। सरकार को राहत देनी चाहिए और तो महंगाई बढ़ा रही है। और इस डीजल पेट्रोल जो लगभग 4 रुपये और 3.5 रुपये बढ़ गया है, पेट्रोल लगभग 4 रुपये के और डीजल 3.5 रुपये के, और मध्य प्रदेश की सरकार ने दोनों पे 1-1 रुपये और एक्स्ट्रा बढ़ाया है। वेट टैक्स में जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती है तो वेट टैक्स में ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। एक तरफ लोगों के पास रोजगार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था कि जो उद्योगपति हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं वो मजदूरों को पेमेंट करेंगे, भुगतान करेंगे जिस समय लॉकडाउन था, लेकिन केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की जिसने पहले नोटिफिकेशन दिया था मार्च में 25 मार्च को कि एम्प्लॉयर्स को देना पड़ेगा, बाद में उन्होंने वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये उद्योगपतियों पे है। इसका मतलब उन मजदूरों को जो काम करते थे उनको पैसा नहीं मिलेगा। एक तरफ ये मार, ये मध्य प्रदेश में और देश में, और दूसरी तरफ डीजल पेट्रोल के भाव की वृद्धि, जबकि क्रूड ऑयल जो लगभग मार्च में जब लॉकडाउन नहीं हुआ था 60 डॉलर बैरल था, वो आज की तारीख में $30 per barrel, तो आधा हो गया। पेट्रोल और डीजल की कीमत आधी होना चाहिए आज की तारीख में, जिसको सरकार ने बढ़ा दिया है। निश्चित तौर पर ये आम आदमी के पॉकेट से पैसा छीनने जैसा है, सीधा सीधा पैसा छीना गया। दूसरी तरफ हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। भोपाल